आज पालीगंज बीपीआई में गली बहल तब फॉर्म नया डिजाइन के मिलवा है से सर जी हमने के समझलती ना, लेकिन यहाँ तो हमने के समझे में ना आई हो कि कितना कैसे लिखिए न लिखिए, तोरा समझ में आवा हो ना? हमरो तो समझ में आबे न करी थे, नया है तो पता नहीं चले थे, तो दीदी बताती तो ना। पहले विमल भैया पहलका फॉर्म कुछ आसान है, लेकिन अबरी जो फॉर्म मिली है ना ओकरा में कुछ बदलाव है, तो ये वाला कुछ कुछ तो समझ में हमारा आवे है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बहुत सा ऐसा कॉलम है जो समझ में हमारा ना आवे। अगर हम अपने भी रैली हल, अगर अपने के जानकारी है तो कुछ हमरो समझा दी ताकि पूरी तरह से हम भर सके। अच्छा भैया, तोरा का दिक्कत हो भैया? वही तो दिक्कत है भैया, किसी की अब पहलका फॉर्म डिजिटल ग्रीन के जो हले भैया से वो अब है ना नया ढंग के अलग है, आ ओकरा में हमने भी गली खल पालीगंज तब मीटिंग में तब बीपीएम मैडम तो फॉर्म दिल थीन, आ वो फॉर्म से तो हमारा पूरा माने क्लीन रूप में ना आबे थे किसे कि माने कैसे कैसे ओकरा में भरत है, कुछ तो समझ में आबे थे या कुछ न भी समझ में आबे थे, ओकरा चलते हमने के जी परेशानी है, आ परेशानी के दूर के लिए हमने के समझे पड़ते। एक कहे का मतलब है भैया कि तुमने चारों का मतलब कि फॉर्म बढ़िया से भर लगे समझ में ना लगा। हाँ, हाँ, समस्या है आपको? समस्या नहीं, ठीक है भैया, अगर हवड़ा के कोई बात ना है। हाँ। आ सांझ के मतलब कि एकरा प्रसार हम करवाई। अच्छा। कैसे फॉर्म भरा है? हाँ। एकर प्रसार करवाई। हाँ। शाम के आ करके आ सब बढ़िया से तोहनी मतलब की समझ लियो कि कैसे फॉर्म भरा है इसे। ठीक है कही तो तुम विमल भैया जी। हाँ हाँ ठीक है कही तो ठीक है भैया, चलो भैया आपका शाम के। हाँ चलो भैया, कोई टाइम तो बता देते भैया कि शाम के कौन टाइम में आ सकते? तो वही 4 बजे के आसपास में समय रखा, एक आध घंटा मतलब की प्रसार करे में समय लगवा करते, एक आध घंटा में समझ ले फिर अपना घूमे फिरे चल चले के साथ। ठीक है, ठीक है ना भैया? 4 बजे दम टाइम पा जाइए भैया। मुझे दलने पे ना भैया। हाँ हाँ दलने पे। ठीक ठीक। अच्छा दीदी टाइम पे चलो ना। हाँ हाँ चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा आ गया भैया। आवा 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 बतौरे भैया। प्रणाम 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 दीदी प्रणाम दीदी प्रणाम भैया प्रणाम भैया प्रणाम प्रणाम आवा आवा बैठा 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 तो होने के इंतजार है टाइम तो देले हले भैया 4 बजे। हाँ ठीक है बैठा फॉर्म सब ले ले अपन अपन। तो हम यही फॉर्म है देखवा लेना बढ़िया से। हाँ, 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 आप लोग के पास ही देख ला जो तोहनी के फॉर्म हो से वो फॉर्म है। प्रसार से पहले कुछ ऐसा मतलब कि है कि जगरा मतलब कि पहले भी भर के रखल जा सक है, और बाद फिर प्रसार होते ना। हाँ, तो बाकी बात सब फिर भरत है। हाँ अब फॉर्म भर के बढ़िया से तोहनी के समझावा ही कैसे फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले जौन चीज के हम वीडियो देखे ओकर ऊपर नाम ठीक, तो हम मतलब कि देखावे थे सीरी विधि से धान रोपाई कैसे हो, धान रोपाई के बारे में तो लिख भाई सीरी विधि से धान के रोपाई रोपाई धान के रोपाई रोपाई। मध्यस्थ का नाम तो मध्यस्थ के नाम में तो मैंने भीआरपीए के नाम लिखते तो ओकरा मध्यस्थ के मतलब के नाम लिखते। कब मतलब कि वीडियो देखावे लागे शुरू कर लहूँ? अच्छा। शाम में दोपहर में कि सवेरे जौन टाइम में तू देखबू ना ओकरा में ऐसे हम टिक के निशान लगा देबे। ठीक, समयवा कहाँ डलते तो समय तो है ना सुबह दोपहर शाम तो मतलब कि बाँटल है ना है ओकरा में फिर समय के काज होते सुबह दोपहर आ शाम तो दोपहर टिक लगा। हाँ खाली टिक लगा वाला है। ठीक, ओकर बाद समूह के नाम कौन समूह में तू वीडियो मतलब कि देखावित हूँ तो हम मतलब कि लिख ली गंगा एस ए जी गंगा स्वयं सहायता समूह। ओकर बाद हियाँ है ग्राम संगठन के नाम तो ग्राम संगठन के जे तो नहीं है ग्राम संगठन के नाम हो से ग्राम संगठन के नाम अपना भर दिया यानी अपन अपन ग्राम संगठन के नाम लिख दो अपन अपन ग्राम संगठन के नाम। गाँव स्थान कौन गांव में तू मतलब कि वीडियो देखावी था तब हम एक अपन गांव के नाम लिखे थी चंडोस। ये गांव कौन ब्लॉक में पड़ा है? ब्लॉक मतलब प्रखंड, कौन प्रखंड में पड़ा है? तब पालीगंज, तब पालीगंज मतलब कि लिखा गया। पालीगंज कौन जिला में पड़ा है? जो जिला पड़ते से जिला का नाम लिखा देते तब पटना अपन अपन जिला के नाम अपन अपन जिला के नाम लिख देते। अब ओकर बाद एक से लेके ध्यान दिया भैया सब
18 तक है। अब समूह में के गो दीदी हथिन उनका सब के एकरा में नाम लिखत है। जौन समूह में मतलब कि तू वीडियो देखावित हूँ उ समूह के दीदी के एकरा में नाम लिखत है। तब गंगा समूह में वीडियो देखावित है चलते गंगा समूह के दीदी के हम नाम एकरा में लिखबे आ तोहनी अपन जौन समूह में मतलब कि वीडियो देखब जब वीडियो देखावे तू जाइत है भैया तो ये सब चीज जो मतलब कि है ना अपना कौन चीज के वीडियो देखावे जाए से कौन समूह में जाए से कौन ग्राम संगठन सब भर करके आ दीदी के नाम भी तू भर के मतलब भी ले जा सक पहले से ताकि वहाँ काम करे में आसानी हाँ सुविधा हो। तो वो सब सब लिखा गए भैया कौन माने कौन चीज के वीडियो दिखावे थे मध्यस्थता के नाम समूह के नाम भीओ के नाम पता सब लिखा गए और एक में समूह के दीदी के नाम लिखा गए उनकर पति या पिता के नाम लिखा गए। अब मिस्टेक कहाँ हो गई भैया कि बहुत सारे से देखल गए कि मतलब कि एक दू मतलब कर दिल थे तो एक हम पहले ही से भर लेब यहाँ जो क्रमांक देवल नहीं भैया एक तो एक में हम गंगा समूह के दिखावे थे तो गंगा समूह के जितना दीदी हथिन सब एक में हथिन ये सब हम भर के ले गए। ओकर बाद जब वहाँ हम गलिए तो देखलिए कि कौन दीदी उपस्थित हथिन और कौन दीदी उपस्थित न हथिन ओकरा हम हुआ जा करके हाजिरी हम बना लेब ठीक इतना में कोई दिक्कत है भैया कोई दिक्कत ना। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आओ बैठा दीदी। आवा दीदी आवा। प्रणाम दीदी। आवा बैठा। आवा दीदी आवा। प्रणाम दीदी। आवा दीदी बैठा। तनी हाजिरी ले लही बा तोहनी के रीता देवी। अच्छा रीता देवी। हाँ कांति देवी। लीला देवी। मुन्नी देवी। शिव कुमारी देवी। अच्छा नल थी ललिता देवी। बबीता देवी। सविता देवी। महादेवी और पूनम देवी। चलिए हाजिरी सब तो हनी के हो गए। इतना जो तोहनी वीडियो देख लहूँ दीदी ये चीज समझ में आ गई तोहनी के कि बढ़िया से ओकरा मतलब खुरपी से जड़ के उखाड़ लिए या उखाड़ के मतलब कि खेत में 10-10 इंच के दूरी पर धान के लगे लिए समझ में आ गई। बहुत बढ़िया है काहे भैया उतना दूरी आप लोग हाँ ये चलते लगे लिए दीदी कि 10-10 इंची के दूरी में जो लगे लिए ना तो थोड़ा थोड़ा जगह भी मिल रही आ सीरी विधि से 14 दिन के जो बिजड़ा लगावल जाए ना वो बहुत ज्यादा कंछिप हो रहा है। अच्छा ये अभी तू समझ लाई से दीदी कि हमार 2 गो बेटा है आ तोर 4 गो बेटा है आ तोरो ही आवित हवा 2 किलो दूध हमरो ही 2 किलो दूध आवित है तो तोर तो 4 गो बेटवा में आधा किलो दूधवा होत बा आ हमर 2 गो बेटवा है तो 1 किलो दूधवा माने की पीतई तो केकर बेटवा बरियार होते 1 किलो वाला होते ना 2 गोला बरियार तो वही चीज है दीदी कि 10-10 इंची के दूरी पर धान रोपे से भी फायदा होवा है कि एरिया के जितना भी मतलब कि पौष्टिक भोजन रहन है से एके ओके मिले है ये चलते ज्यादा उकंछी कर है यही लागी हमने 10-10 इंच पर ओकरा धान के रोप पाए। हाँ दीदी तोहनी का बढ़िया समझ में आ गल ना दीदी। तोरा दीदी वैसे खेती करवाऊ ना। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। पूनम दीदी आप थोड़ा सा लेट आई ली चलिए फिर भी हम अपने के मतलब की हाजिरी लगा दी थी तो भरा गए दीदी। अब एक पर तू समूह के अध्यक्ष हूँ ना। हाँ तो ऐजा पड़ी तू दस्तखत कर दे पहले पहले देख। हाँ हाँ एकरा में तू पहले 9 के चिन्ह टिक लगा एक में खनवा में। हाँ अब ऐजा पड़ी तू दस्तखत कर दे ऐजा पड़ी। तो फॉर्म भर लगे सब बढ़िया समझ गए भैया। जौन दीदी अलथिन उनका में हम माने कि 9 के निशान लगा दिलिये आ जौन दीदी न अलथिन ओकरा में हम
कटकुट के निशान लगा दिलिये आ कोई दीदी मतलब कि थोड़ा सा लेट से भी अलथिन उनका भी हम मतलब कि हाजिरी बना दिलिये। ठीक है भैया। यहाँ पर जैसे कि समूह के अध्यक्ष हलथिन तो उनका से हम दस्तखत करवा लिये। ठीक है ना भैया, उनका से दस्तखत करवाना बहुत जरूरी रहा है। आप कुछ भैया पूछे ला हवा बढ़िया से सब समझ गए हूं। हां भैया अभी तो ये बहुत बढ़िया से समझा दे हूं। आओ अभी तो मैंने अब एकरा में कोई दिक्कत नहीं भैया। समूह के अगर अध्यक्ष ना साइन करते थे तब यहाँ कोई दिक्कत हो सकली है। तो सचिव साइन करते थे, दस्तखत ना दे अध्यक्ष ठेपा मारते थे, ठेपे मारते थे, लेकिन दस्तखत करवाना अनिवार्य है। हाँ दस्तखत करवाना अनिवार्य है। एकरा में कोई कोई दीदी से के तरफ से मतलब कि ना समझ में आवे तो एकरा मतलब प्रश्न कर रहा थीन। जैसे कि एगो दीदी प्रश्न कर ला, जैसे कर ला थीन कि से मतलब कि 10-10 इंची पर धानवा काहे रोपा है भैया। ठीक ना। हाँ बायां वाला भाग हम जब भर लिए भैया, जब हम मतलब कि वीडियो दिखावे के लिए। ठीक भैया। हाँ। अब मतलब कि दायां वाला भाग, दायां वाला भाग हम तब भरबै कि जब मतलब कि उ जांच करे जबै कि जो चीज के हम वीडियो दिखा के लिए उ चीज के दीदी अपनलथिन कि ना अपनलथिन, उ जांच करे जबै तब एकरा हम भरबै आ तब दीदी के हिया हस्ता सब समझ हो दो ना भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अच्छा तो बहुत बहुत आप लोग के धन्यवाद भैया जो तुमने अपना कीमती समय दे करके तुमने मतलब कि समझे लागी अलहू। ये भाग जैसे कि माने कि वीडियो देखल से तो भर लेलू दीदी। अब तो जब जांच करे जब हूँ, जब वो खेत रोप लेथिन ओकर बाद में जांच करे जब हूँ, तो जौन समय मतलब कि जांच करे जब हूँ उस समय मतलब कि माने कि भाग जेकरा दाहिना भाग भरत है वो घर। ठीक है। जांच तो 5-6 दिन के बाद ना कर देते हैं। हां तो अभी काली खेत रोपतथिन तब ना। हां हां रोपतथिन तब रोपला के बाद जैसी सूचना मिलते तो जांच करके चल के मतलब कि फॉर्म भर लो। ठीक ठीक तो फिर कहो ना भैया। हां हां फिर कहबे ना। ठीक तो फिर जानकारी हो जाते। हां ठीक ठीक फिर आवे पड़े ना भैया। हाँ तो मतलब कि आवे पड़ते ना। बिना अला कैसे हमारा जानकारी होती कि मतलब कि वहाँ मत धान वहाँ रोपल कि न रोपल। जो बतलहूँ जो श्री विधि से धान रोपलथिन कि रोपलथिन, नियम के पालन कर लथिन कि न कर लथिन, आ तब नहीं भरत है, जाँचे करके न भरला है दीदी। हाँ तो बिना गेला कैसे पता चलते। तब ठीक है तब रोप लेबे तो हम सबके पर बात जांच कर लेते तो थोड़ा मोड़ा बता देबी फिर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है भैया। ठीक ठीक चलो ठीक भैया। हाँ ठीक।